आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। सतना जिले के नादन देहात थाना के ग्राम भमीठा में हुई किशोरी की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने महज 4 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने किशोरी की हत्या के आरोप में गांव के ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी ने हत्या की इस वारदात को महज इसलिए अंजाम देना बताया कि किशोरी उससे बात नहीं करती थी और इसी बात से नाराज होकर उसने हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे डाला। दरअसल घटना एक दिन पूर्व सतना जिले के नादन देहात थाना क्षेत्र की है, जहां बमीठा गांव में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की लाश गांव में ही बंद पड़ी खदान में मिली थी। गांव में हुई इस नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में जांच में जुटी पुलिस ने गांव के ही 24 वर्षीय युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में गांव के ही महेश उर्फ सोनू आदिवासी 24 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तो उसने दुपट्टे से गला घोटकर किशोरी की हत्या करना बताया है। दरअसल सतना एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश में मैहर एसडीओपी हिमाली सोनी की टीम ने महज 4 घंटे में इस अंधी हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी महेश उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके और मृतका के बीच गहरी दोस्ती थी और अक्सर दोनों की मुलाकात भी होती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से किशोरी ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिससे वह काफी परेशान थी और किशोरी से लगातार मिलकर उसे समझाने का भी प्रयास कर रहा था, लेकिन वह किसी भी कीमत में उससे बात करने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते उसने यह कदम व्यक्तिगत कारणों के चलते उठाया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है, जिसके विरुद्ध हत्या के अपराध की धारा 302 का मामला रजिस्टर्ड कर कार्रवाई की जा रही है।